Hello everyone, welcome to Genic Education. So previously we have discussed the modeling of the DC machine, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास जो टाइप ऑफ DC machines थी, separately excited आपके पास मशीन थी, आपके पास सेल्फ एक्साइटेड मशीन थी, उनका वोल्टेज एक्सप्रेशन कैसे लिखना है आपको, किस तरीके से आपको उनमें पावर की क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो कैसे आपको इंक्लूड करना है, तो ये सब कुछ मैंने बताया था. तो अब से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज. और आपके लिए DC मशीन मैंने बार बार आपसे बोला था 3 to 4 एक्सप्रेशन की नीड आपको पड़ती है, पूरी DC मशीन को आप सॉल्व कर सकते हो. आपको अगर फर्दर आप नहीं भी कुछ जानते हो, मान लिया आप स्पीड कंट्रोल बारे में नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, न्यूमेरिकल के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज मोर देन सफिशियंट जितना इक्वेशंस आपको बताया गया था. ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं डीसी मशीन्स के. और ये सारे वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं हर तरीके क्वेश्चन में इसमें ऑप्ट करने वाला हूं किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं डीसी मशीन. तो इस तरीके में 4 to 5 लेक्चर्स लेके आऊंगा जिस पे केवल क्वेश्चन आपके डिस्कशन होगा. जितनी चीजें बताई, चाहे आप बेटा स्पीड कंट्रोल पढ़ोगे चाहे नहीं पढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूमेरिकल आपसे तुरंत बनने वाला है. करेक्ट हुई इतनी बार. देखिए जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन मेरे पास है अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. तो मेरे पास क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. जब भी कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप बेटा ध्यान रखिए, आपको हमेशा सर्किट पता होना चाहिए. डीसी मोटर की अगर मैं बात करूंगा सेपरेटली एक्साइटेड, तो मैं सबसे पहले आर्मेचर सर्किट बनाऊंगा. तो आर्मेचर सर्किट मैंने बना दिया, आर्मेचर सर्किट मेरा बन गया. सेपरेटली एक्साइटेड आपके पास है मोटर है, तो बोलिए जरा सप्लाई टर्मिनल क्या होगा. दिस इज माई वी टी, दिस विल बी माई आई एल, एंड दिस विल वॉट आई ए, एंड दिस विल वॉट आर ए, एंड दिस इज प्लस माइनस क्या ये. करेक्ट हुई इतनी बात. ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड आपने मोटर बना दिया. फील्ड वाइंडिंग आपके लिए अलग से एक सप्लाई उसके पास होगी, तो आपने उसको क्या कर दिया, प्लस माइनस डीसी सप्लाई आपने दे रखा है. दिस इज माय आईएफ एंड दिस वन इज आरएफ. एज इट इज सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, तो आपको मैंने बताया था इसका सेपरेट सप्लाई यहां पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट. करेक्ट हुई बात. इतनी चीज आप इंफॉर्मेशन पहली लाइन से आप आ गए. आर एक वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितनी दी हुई बोलो बेटा, 0.5, कितना ओम. करेक्ट हुई बात. अब बोला है आपसे ये जो सप्लाई इसको दी जा रही है कितना दिया जा रहा है, 250 वोल्ट. करेक्ट हुई बात, 250 वोल्ट की आपको सप्लाई दी जा रही है. ड्रॉइंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर एट 1500 आरपीएम. तो मेरे पास क्या है, केस फर्स्ट मेरे पास क्या है, केस फर्स्ट में कह रहा है एट 250 वोल्ट की सप्लाई पे जो करंट आपकी आ रही है आर्मेचर में वो कितनी करंट आ रही बेटा, दैट इज इक्वल टू कितना, 20 एम्पियर. और जो स्पीड इस केस में N1 की वैल्यू कितनी, दैट इज इक्वल टू 1500 क्या आरपीएम. दिस इज माय केस फर्स्ट. ठीक है, तो आपसे बोला है फॉर द सेम फील्ड करंट, मतलब फ्लक्स आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम फील्ड करंट आपकी होगी. फॉर द सेम फील्ड करंट द टॉर्क डेवलप्ड इन न्यूटन मीटर, मतलब सेकेंड केस में आपको टॉर्क की वैल्यू बतानी है अगर यही आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, 10 एम्पियर. करेक्ट हुई बात. तो आपको फाइनली टॉर्क निकालना है. तो अब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ तो आपको सोचना कैसे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट. जिसको इसका सोल्यूशन आता है बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज वेरी नाइस. जिसको नहीं आता हो ध्यान सोचे, सोचा कैसे जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस को. अब आपको टॉर्क निकालना, टॉर्क निकालने का आपके पास दो तरीके अवेलेबल है डीसी मशीन में, तो आप बताइए. एक तरीका है टी इज इक्वल क्या होता है बोलिए जरा, के फाई कितना आई ए. करेक्ट हुई बात. दूसरा तरीका टी इज इक्वल क्या होता है, PA डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर. करेक्ट हुई बात. नेक्स्ट बताइए PA की वैल्यू होती EA टाइम्स ऑफ कितना IA डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर. यही तरीका है आर्मेचर के अंदर कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है. आर्मेचर में अगर टॉर्क कभी भी निकालना होगा तो आपके पास ये बेटा आर्मेचर टॉर्क इसको कहते हैं, आर्मेचर में कितना डेवलप होगा टॉर्क, इतने ही तरीका केवल आपके पास अवेलेबल है टॉर्क निकालने के लिए. तो आप बताइए मेरे को, अगर मुझे ये तरीका चाहिए तो आपके पास कैसा, अगर टॉर्क सेकंड केस में निकालना है तो बोलिए K की वैल्यू क्या होती है, पी जेड डिवाइड बाई कितना 2πa. क्या मुझे नंबर ऑफ पोल्स पता, नहीं पता. क्या मुझे Z पता, नहीं पता. क्या मुझे A की वैल्यू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पता, नहीं पता है. इसका मतलब K लगाने का कोई मीनिंग नहीं. क्या मुझे फ्लक्स की वैल्यू पता है, कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, चलो इसको भूल जाते हैं. नेक्स्ट बताइए आई एक वैल्यू पता है सेकंड में, बिल्कुल पता है 10 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे डायरेक्टली निकालने के लिए टॉर्क. करेक्ट हुई बात. नेक्स्ट आते हैं इस पे जरा. अब अगर मैं कहता हूं ये फॉर्मूला मुझे लगाना, तो ये फॉर्मूला अगर लगाना है तो आप क्या करोगे बताइए. ईए की वैल्यू क्या पता सेकंड केस में, नहीं पता. आईए की वैल्यू सेकंड केस पता, बिल्कुल पता है. ठीक है, क्या ओमेगा आर की वैल्यू पता सेकंड केस में, बिल्कुल नहीं पता आपको. ओमेगा आर मतलब स्पीड आपकी सेकंड केस में जब करंट चेंज की है तो स्पीड पे क्या इफेक्ट आया, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा. तो आपके पास टॉर्क का चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट किए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा. तो याद रखिएगा इस चीज को. तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो सेकंड केस का मैं अगर ईए2 निकाल दूं
IA2 ऑलरेडी पता है और स्पीड में अगर जान जाऊं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं टॉर्क कैलकुलेशन में इजीली कर सकता हूं। दूसरा वे और क्या सोच सकते थे, अगर T इज इक्वल टू के फाई आई ए है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, T इज प्रोपोर्शनल टू कितना, फाइव टाइम्स ऑफ आई ए, करेक्ट हुई इतनी बात, तो T2 डिवाइड बाई कितना, T1 इज इक्वल टू कितना, Φ2 डिवाइड बाई Φ1, बोलिए बेटा IA2 डिवाइड बाई कितना IA1, तो आप यहां से भी T2 निकाल सकते हो, बट T2 अगर चाहिए तो T1 आपको पता होना चाहिए, T1 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा बोलिए जरा, ये फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब हो जाएगा IA2 डिवाइड बाई कितना IA1 मल्टीप्लाइड बाई कितना T1, तो आप बेटा सेकंड केस में टॉर्क यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आप बताइए जरा, IA2 पता है आपको 10 एम्पीयर, बिल्कुल पता है, IA1 आपको 20 एम्पीयर पता है, बिल्कुल पता है, क्या मुझे T1 पता है फर्स्ट केस का, नहीं पता है, तो T1 अगर निकालना होगा फर्स्ट केस का कैसे निकालोगे, T1 इज इक्वल टू EA1 टाइम्स ऑफ IA1 डिवाइड बाई कितना ओमेगा R आप कर सकते हो, करेक्ट हुई इतनी बात, तो EA1 पता है नहीं पता निकालना पड़ेगा, IA1 कितना 20 है, ओमेगा R1 पता है बिल्कुल पता है, 500 आरपीएम दिया, ओमेगा R अगर निकालना होगा 2 पाई NR डिवाइड बाई कितना 60 करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है आप इसको सॉल्व करने के, करेक्ट हुई बात, तो आपके ऊपर चाहे आप ये तरीका अपनाओ चाहे आप ये तरीका आप अपनाओ, आपके ऊपर है कि आप किस चीज को फॉलो ऑन करना चाहते हो, तो मैंने बता दिया, और ये दोनों ही चीजों से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं इसको आप कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं, फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो गिवन क्वांटिटीज, वहां से मैं बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं तुरंत निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखिए जरा ध्यान से, ये एक मोटर है, लगाइए इसके अंदर केवीएल, अगर मैं लगाता हूं मेरे पास फर्स्ट केस में क्या मिलेगा, EA1 इज इक्वल टू VT माइनस, बोलते रहिए बेटा IA1 टाइम्स ऑफ कितना RA, VT की वैल्यू है 250 माइनस IA1 की वैल्यू कितनी 20 टाइम्स ऑफ कितना 0.5, तो 0.5 ये कर दिया, बोलिए जरा कितना आ जाएगा 250 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो कितना आ गया 240 वोल्ट आपका क्या आ गया EA1, करेक्ट हो गया इतनी बात। तो अब बताइए अगर EA1 तुम पा गए, IA1 तुमको पता है, तो बेटा T1 तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हो, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए जरा, अभी बताया ना EA1 टाइम्स ऑफ कितना IA1 डिवाइड बाय कितना ओमेगा R1, तो आप बताइए EA1 कितना 240 टाइम्स ऑफ कितना 20 डिवाइड बाय बोलिए जरा ओमेगा R2 2 पाई NR1 की वैल्यू कितनी है 1500 डिवाइड बाय कितना 60 आपका क्या चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका निकल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो T1 वैल्यू, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं T1 की जो वैल्यू आप जब निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के बेटा आ जाएगी T1 की 30.557 आपके पास आ जाएगा, 30.557 कितना न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क आया फर्स्ट केस में। ये टॉर्क किस केस में आया बेटा, फर्स्ट केस में आपका निकल गया इंड्यूस वोल्टेज फर्स्ट केस में आया। अब देखिए सेकंड केस बात करते हैं केस टू की, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए अब केस टू में ही तो टॉर्क निकालना था, टॉर्क निकालना था, मैंने बताया तो इजिली आप तुरंत पा गए, कैसे पा गए बताइए जरा बेटा, VT अभिभूत नहीं है, कितना है 250 वोल्ट, करेक्ट, IA2 बोलिए कितना हो गया 10 एम्पीयर हो गया, तो आपसे पूछा T2 कितना होगा, यही पूछा ना, तो मैंने अभी आपको बताया 2 सेकंड पहले बताया T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल कितना IA2 डिवाइड बाय कितना बोलो बेटा IA1 टाइम्स ऑफ कितना T1, तो आप ये डायरेक्टली लगा के आप T2 डायरेक्ट निकाल सकते हो, T2 वैल्यू क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा बोलिए IA2 कितना 10 डिवाइड बाय कितना 20 टाइम्स ऑफ कितना बोलिए 30.557 कितना 7, तो आप जरा इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, हाफ अगर करोगे कितना आ जाएगा बोलिए 2 1 2 2 कितना हो गया आपके पास, दिस इज 515 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलिए 2, नेक्स्ट बताइए कितना हो जाएगा 6 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन मीटर, करेक्ट हुई इतनी बात। तो मेरे पास क्या हुआ 27, तो 15.27 आपके पास क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अगर आप इस अप्रोच से आप इसको अप्लाई करते हो। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, मेरे पास कितना आ जाएगा 15. कितना 278 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। और आप कैसे, ये आपका आंसर खत्म हो गया। अब अगर यहां पे आप दूसरे वे में निकालते कैसे निकाल सकते बोलिए जरा, दूसरा दिमाग अगर काम करता तो आपको अभी भी बताया ना मैंने, T2 अगर तुम्हें चाहिए होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे EA2 into कितना IA2 डिवाइड बाय कितना ओमेगा R2, करेक्ट हुई इतनी बात। अब EA2 अगर चाहिए तो EA2 कैसे निकलेगा बोलिए जरा, EA2 इज इक्वल हो जाएगा VT
माइनस बोलिए आई ए टू टाइम्स ऑफ कितना आर ए, वी टी वैल्यू सेम है 250 माइनस 10 टाइम्स ऑफ कितना 0.5, तो बताइए 250 में से ये कितना हो जाएगा 5, तो 250 में से 5 ये कितना बचा आपके पास 245 कितना वोल्ट, करेक्ट होती बात। तब बताइए T2 में EA2 तुम्हें पता चल गया, EA2 वैल्यू कितनी हो गई 245 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय कितना 2 पाई NR2 इनटू कितना 60 डिवाइड बाय 60 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए क्या आपको NR2 पता है? नहीं पता आपको, सेकंड केस में स्पीड की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताइए जरा ध्यान से बताइएगा। E is equal to क्या होता है K phi कितना बोलो बेटा ओमेगा R, तो आप बताइए E A two divided by E A one is equal to K phi two divided by K phi one into कितना बोलिए ओमेगा R two divided by कितना ओमेगा R one, करेक्ट हो गई इतनी बात। तो आप बताओ फ्लक्स तो कांस्टेंट है, किसका कोई मीनिंग नहीं है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये खत्म हो गया। तो आप बताइए ओमेगा आर टू अगर आपको चाहिए होगा तो ओमेगा आर टू कैसे आप लिख दोगे, बोलो जरा हटा दो इसको, तो ओमेगा आर टू अगर बेटा आपको निकालना होगा तो बोलो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई ए टू डिवाइड बाई ई ए वन मल्टीप्लाइड बाई कितना ओमेगा आर वन, ये टू वैल्यू है 245 डिवाइड बाई ई ए वन कितना आया था 240 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई एन आर वन 1500 डिवाइड बाय कितना 60। आप बेटा इसकी वैल्यू ओमेगा आर टू वैल्यू आप इतनी सॉल्व कर लो और इस ओमेगा आर टू वैल्यू यहां पे आप डायरेक्टली पुट कर दो तो आपके पास टी टू जो वैल्यू आ जाएगी फिर से कितनी आएगी 15. कितना 278 न्यूटन मीटर के इक्वल ही आएगी, करेक्ट होगी इतनी बात। तो आपने क्या कैलकुलेट किया टॉर्क निकाल लिया। इसी केस में अगर स्पीड पूछा होता सेकंड केस में क्या होगा, मान लो टॉर्क बजाय स्पीड पूछता तो स्पीड आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा टू जितना आ जाएगा वही उसकी एंगुलर स्पीड होगी। एनआरएम पूछेगा तो कन्वर्जन आप बताएं आरपीएम में और आप रेडियन पर सेकंड में कैसे आप कन्वर्जन करते हो, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको उसी वे में क्या कर सकते हो आप हैंडल कर सकते हो। सेम चीज अगर पूछ लेता बताइए 10 एम्पीयर जब करंट होगी आपका पावर कितना डेवलप होगा, किसमें आर्मेचर में, तो कितना पावर डेवलप होगा ईए2 की वैल्यू कितनी 245 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा आईए2, और आईए2 वैल्यू कितनी दी हुई आपको 10 एम्पीयर के इक्वल, दोनों मल्टीप्लाई कर लो यू आर गोइंग टू गेट द डेवलप्ड पावर इन द आर्मेचर सर्किट। समझ में आया इतनी बात। तो आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को किस वे में आप क्या कर सकते हो आप डील कर सकते हो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें इसमें हमको करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आपके पास बेसिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि आप E का जो फॉर्मूला आप यूज करते हो उसको कैसे आप यूज करते हो। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अ फोर पोल डायनमो, ठीक है, तो मेरे पास क्या है चार पोल की मशीन है, तो पीक वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 हो गई, ठीक है, विद वेव वाउंड, अगर वेव वाउंड है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 2, ठीक है। अब बताइए आर्मेचर हैज 51 स्लॉट्स, तो मेरे पास कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है मेरे पास कितने बेटा 51 है, करेक्ट हुई इतनी बात। नेक्स्ट बताइए कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स इन ईच स्लॉट, तो मैं क्या लिखूंगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ईच स्लॉट, कंडक्टर इन या पर स्लॉट लिख देते हैं, पर स्लॉट इज इक्वल कितना बेटा दैट इज इक्वल टू 20 कंडक्टर। तो आपसे पूछा था टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 357 कितना वोल्ट, कुछ लिखा नहीं, एक पर क्वाइल है एक पर कंडक्टर है, तो आपको समझना है ये उसकी एवरेज वोल्टेज है, मतलब सब मिला के आपका है, ठीक है। एंड द स्पीड इज एनआर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन की वैल्यू दिया हुआ है कितनी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 8500 आरपीएम, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आप बताइए आपसे पूछा है फ्लक्स पर पोल, तो आपको पता है बेसिक रिलेशन आपको पता है पी जेड सब कुछ इन्वॉल्व करना है, तो आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है ईए इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए बेटा के फाई कितना ओमेगा आर, करेक्ट हुई इतनी बात। इसको अगर ब्रेक करूं मैं तो के की वैल्यू होती पी जेड डिवाइड बाई कितना 2 पाई कैपिटल ए, करेक्ट हुई इतनी बात, इनटू फाई के वैल्यू फ्लक्स पर पोल इसी कहते हो आप फाई पी, ठीक है। नेक्स्ट इनटू कितना ओमेगा आर, ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है 2 पाई एनआर डिवाइड बाय कितना 60, तो देखो 2 पाई 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया बोलिए बेटा पी जेड फाई पर पोल इनटू कितना एनआर डिवाइड बाय कितना 60, करेक्ट हुई इतनी बात। ये आपके इंड्यूस वोल्टेज का बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब बताइए अब आपको फ्लक्स पर पोल निकालना है, क्या ईए पता है आपको, बिल्कुल पता है, क्या आपको नंबर ऑफ पोल्स पता है, बिल्कुल पता है, क्या आपको फ्लक्स पर पोल पता है, यही तो निकालना है, एनआर पता है, बिल्कुल पता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिल्कुल पता है, क्या आपको जेड पता है, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं जेड की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आप बताइए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर निकालना है बोलिए कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं 4
51 आपके रोटर के अंदर स्लॉट्स बने हुए जिसमें कंडक्टर पुट किए गए हैं, ठीक है। एक जो आपका स्लॉट है उसमें कितने कंडक्टर हैं, 20 हैं, तो बोलो 51 स्लॉट में कितने कंडक्टर, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो कंडक्टर होगा कितना होगा, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर, 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 51 स्लॉट्स हैं, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 2, दिस इज व्हाट, 10। तो इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपके क्या होंगे, अवेलेबल होंगे रोटर के पास, करेक्ट। हुई बात, अब यही अगर आपसे पूछा जाए तो फ्लक्स पर पोल कितना होगा, फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, बोलिए जरा, ईए टाइम्स ऑफ 60 इंटू कितना ए, डिवाइड बाई, बोलिए जरा कितना हो जाएगा, पी जेड, नेक्स्ट बताइए कितना, एन आर, करेक्ट, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 32357 मल्टीप्लाइड बाय 60 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय, बोलिए जरा नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 4, तो पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय जेड, जेड इज इक्वल टू 10 कितना, 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना, एनआर, एनआर की वैल्यू कितनी दे रखी, 8500। तो आप बेटा इसको सॉल्व कर लो, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग 1. मैं बताता हूं आपको कितना आंसर आ रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ दैट इज इक्वल टू 1.235 मिली वेबर, करेक्ट। हुई इतनी बार, तो आपके पास जो आंसर आ जाए कितना आ जाएगा, 1.235 मिली वेबर, क्लियर हुई इतनी बार। तो ये एक बेसिक एकदम क्वेश्चन था, एकदम बेसिक भी क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी गेट में आपके आया हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहां पूछता कितने नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल होंगे, बताइए क्या निकालते आप, 20 कंडक्टर पर स्लॉट में है, एक स्लॉट टोटल स्लॉट 51 है, जेड की वैल्यू इतनी आ गई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते, एक टर्न बनाने के लिए दो कंडक्टर चाहिए, कितना होता, Z by 2 कितना हो जाता, 10, 20 डिवाइड बाय कितना, 2 हो जाता, तो आप इसको सॉल्व कर लेते, 50 कितना, सॉरी कितना हो जाता बेटा, 1020 कितना हो जाता, 5 कितना, 10, करेक्ट। हुई बात, तो आपके पास कितना आ जाता, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं आपके, 510 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आपके फ्रेम होते रहते हैं कि आपको क्या चीज पूछे यार, उसके अकॉर्डिंग चीजों का आप क्या करो, आप हैंडल करो, इससे बेसिक क्वेश्चन कोई और पॉसिबल नहीं हो सकता, करेक्ट। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि जिसको इसमें भी डाउट हो यह भी क्लियर हो सके, इसलिए मैंने इतना छोटा क्वेश्चन लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन मेरे पास। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है। इट्स अ क्वाइट गुड क्वेश्चन और आपका ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग रखना है और अपने आप को यह जरूर सोचना है कि यह प्रोसीड कैसे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको प्रोसीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चीज कैसे आप प्रोसीड करने वाले हो, क्लियर होती बात। अब देखिए जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो निकालना है उसके बारे में सोचो, परसेंटेज चेंज इन फील्ड करंट, परसेंटेज चेंज इन फील्ड करंट का मीनिंग हुआ कि जो आपकी फील्ड करंट होगी उसी की वजह से आपका फील्ड फ्लक्स आएगा, उसी की वजह से मेन फ्लक्स आएगा, या आप कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट केस रहा होगा, सेकंड केस कुछ भी रहा होगा, जो परसेंटेज चेंज आपका आएगा वो कैसे आप लिखने वाले हो, बताइए जरा मेरे को। या तो आप लिख सकते हो फील्ड phi 1 डिवाइड बाय कितना, phi 1 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, या आप लिख सकते हो परसेंटेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आप if2 माइनस if1 डिवाइड बाय कितना, if1 इंटू कितना, 100। यही आपसे पूछा है बेटा, ठीक है। जो फील्ड करंट होगी तो फील्ड करंट का चाहे चेंज निकालो चाहे आप फ्लक्स का निकालो, दोनों चेंज क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए सेम आएगा बेटा क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सैचुरेशन को आप नेग्लेक्ट कर रखे हो, सैचुरेशन अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो यह कह पाना मुश्किल होगा कि आप करंट अगर बढ़ाते रहोगे तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये चीज मैंने ट्रांसफॉर्मर में बताया था आपको, सैचुरेशन का नेग्लेक्शन अगर होगा तो फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आपके करंट के, मतलब जैसे करंट का ग्रोथ होगा वैसे आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्लियर होती बात, ठीक है। लीनियर रीजन मैग्नेटाइजेशन कर्व जिसको आप बोलते हो, करेक्ट, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को, इसका मतलब सब कुछ हमको बात करना है फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स के बारे में जब भी बात करनी होती है आपके पास दो ही रिलेशन केवल अवेलेबल होते हैं, एक होता है बेटा टॉर्क रिलेशन, के फाई कितना आइए, दूसरा रिलेशन फ्लक्स रिलेटेड क्या होता है, ई इज इक्वल कितना, के फाई कितना, ओमेगा। दीज टू रिलेशंस आर रिस्पॉन्सिबल, इन्हीं दोनों रिलेशन से सब कुछ निकलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप देखो जरा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं, यही दो रिलेशन आपके पास है फ्लक्स रिलेटेड रिलेशन, तो आप यहीं से सब कुछ करने वाले। तीसरा रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, ई इज इक्वल क्या होता, बोलो बेटा वी टी, बोलो प्लस माइनस आई ए इंटू कितना आर ए, यही तो होता ना आपका,
ठीक है। तो ये बोल्टेड एक्सप्रेशन है, तो यही तीन रिलेशन से सब कुछ निकलेगा। तो आपको बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, डीसी मशीन अगर सोचना है केवल इन तीन रिलेशन के बारे में सोचा करो, दैट्स ऑल। अगर ये तीनों आप दिमाग लगाओगे तो आप तुरंत आंसर पा जाओगे। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, हटाता हूं इसको, करेक्ट। तो परसेंटेज चेंज आपको कुछ ऐसे करना है। चलिए देखिए जरा क्या दिया है। सबसे पहले मेरे पास एक डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर है, चलिए अच्छी बात है, शंट मोटर हम बना देते हैं। सबसे पहले आर्मेचर सर्किट मैंने बना दिया, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज माय आर्मेचर सर्किट, करेक्ट हुई इतनी बात। मोटर है ना ये, तो दिस इज माय बीटी, करेक्ट। आईएफ बताइए किधर होगा, दिस इज माय फील्ड सर्किट, करेक्ट हुई इतनी बात। दिस इज माय आईएफ, दिस इज माय आरएफ, करेक्ट। ये हो गया आरए, और यहां से आपकी मोटर है तो ये होगा आईएल, और ये बेटा क्या होगा, आईए हो जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। मोटर है तो मैंने मोटर बना दिया आपका, करेक्ट हुई इतनी बात। अब देखिए जरा, अब कह रहे कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी, मतलब वीटी वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, ओके। तो अब आपसे कह रहा है, तो फर्स्ट केस जो है यही है, सर्किट आपका बना हुआ है, मतलब इस केस में आपका आर्मेचर करंट कितनी है, आईए है, इंड्यूस वोल्टेज बोलो बेटा कितना है, ईए है, टॉर्क कुछ आपका क्या रहा होगा। तो केस फर्स्ट में आपके पास क्या क्या मैं लिख देता हूं, मेरे पास आईए वन है, नेक्स्ट बताइए ईएमएफ कितना है, ईए वन है, नेक्स्ट बताइए वीटी इज इक्वल कितना बोलिए बेटा 200 वोल्ट है, स्पीड कितनी है एनआर वन है, टॉर्क की वैल्यू कुछ भी स्पीड रही हो, नेक्स्ट बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या है टी वन है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है। और फ्लक्स की वैल्यू क्या है आपके पास बोलो बेटा फाई वन है, और फील्ड फ्लक्स कितना आईएफ वन है। ये फर्स्ट केस में कुछ ऐसे नोटेशन में यूज करने वाला, मैं बहुत प्रॉपरली इसको करने वाला हूं। इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, एक बार नहीं 500 बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके पूछे जाएंगे। ईएससी की बात करोगे या आप किसकी आप बात करते हो गेट एग्जामिनेशन की, तो आपको प्रोसीजर यही अपनाना होगा, करेक्ट। अब देखिए, अब कह रहा है कुछ, क्योंकि कुछ अमाउंट नहीं दिया है, करेक्ट हुई बात ना, तो आर ए की वैल्यू दिया हुआ, आप ये निकाल लो, ठीक है, ये आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास आर ए की वैल्यू पता नहीं आपको, तो आपको ध्यान रखना क्या क्या चीजें हमको करना है। अब देखिए जरा, बाय डिक्रीजिंग द फील्ड फ्लक्स, तो केस टू डायरेक्ट आ जाइए केस टू पे, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द फील्ड फ्लक्स इट्स स्पीड इज रेज्ड बाय 20%। तो जो आपकी स्पीड है एनआर है, एनआर कह लो या इसको डब्ल्यू आर वन कह लो, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आप बताइए मेरे को, जो स्पीड ओमेगा आर टू जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 20% क्या हो रहा है, रेज हो गई, रेज कर दो अगर पहले कुछ ओमेगा आर वन उसमें 20% ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ कितना ओमेगा आर वन, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, दिस ऑल्सो कॉजेज अ 10% इंक्रीज इन टॉर्क, इंक्रीज इन टॉर्क कितना और हो जा रहा है 10% उसमें जुड़ रहा है, तो जो T2 आएगा सेकंड केस में जो टॉर्क आएगा उसमें 10% फर्स्ट से और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ कितना T1 टॉर्क, करेक्ट हो गया इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द ब्रश इज 1 ओम, तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है मतलब ब्रश का और आरए का दोनों को मिला जुला के कितना, मतलब ब्रश ड्रॉप को भी इंक्लूड कर रखा है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आपके पास, दैट इज इक्वल टू आर ए, आप सिंपली कह लो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू कितना बेटा 1 ओम, करेक्ट हो गया इतनी बात। द परसेंटेज चेंज इन फील्ड करंट मतलब आई एफ टू, यहां मान लेता हूं कुछ रहा होगा क्वेश्चन मार्क, एंड फ्लक्स की वैल्यू फाई टू मान लेता हूं कुछ आपका जो चेंज आपके पास आने वाला है, यहां तक समझ गए। अब देखिए जरा, अब मैं अगर phi1 phi2 के रिलेशन की बात करूंगा, दो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप बताइए सबसे पहले अगर मैं लगाऊं, क्योंकि रिलेशन निकालना उसी चेंज आपका तुरंत निकल जाएगा, तो आप बताइए मेरे पास क्या, एक रिलेशन है T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू बोलिए बेटा फटाक से बोल देना आंसर, बोलो K phi2 into IA2 डिवाइड बाय बोलिए जरा कितना होगा K phi1 टाइम्स ऑफ कितना IA1, करेक्ट हो गया इतनी बात। अब बताइए के तो के कैंसिल हो गया क्योंकि ये चीज क्या है कांस्टेंट है तो इसका कोई रोल नहीं है, तो आप बताइए phi2 डिवाइड बाय phi1 टाइम्स ऑफ IA2 डिवाइड बाय कितना IA1, क्या मुझे करंट्स की वैल्यूज पता है, नहीं पता है, बट T2 T1 तो पता चल चुका है ना, बोलिए जरा कितना हो जाएगा, T2 जो वैल्यू हो जाएगी कितनी दी हुई है 1.1 T1 डिवाइड बाय कितना T1, तो T1 T1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहां पे क्या रिलेशन आ गया, बोलिए बोलिए बेटा कितना रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बोलिए कितना हो जाएगा phi2 डिवाइड बाय phi1 का एक रिलेशन यहां से निकलेगा कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ IA1 डिवाइड बाय कितना IA2। और ध्यान देना जरा ध्यान से
कि जो आपकी फुल लोड जब ऑपरेशन है, जो आपका फुल लोड पहला जो केस है, फर्स्ट केस जो आपका है, उस केस में आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 40 एम्पीयर। कितना दिया हुआ बेटा, 40 एम्पीयर। इसका मतलब IA1 की वैल्यू आपको पता, 40 एम्पीयर कितना हो जाएगी, 40 टाइम्स ऑफ 1.1 डिवाइड बाय कितना, IA2। करेक्ट हुई इतनी बार, तो IA2 वैल्यू यहां पर आ गई। तो मैं अब इसको रब करने वाला हूं और आप देखते रहना, सब कुछ बेटा निकलता चला जाएगा। तो मैं यहां पे हटाने वाला हूं, इसकी नीड नहीं, ये नोट हो चुका है। तो मैं यहां डायरेक्ट अब लिखने वाला हूं, क्या चीज बोलिए जरा। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 52 डिवाइड बाई 51 इज इक्वल टू आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 कितना, 44 इंटू 1 बाई कितना, IA2। करेक्ट हुई इतनी बार, या आपके पास एक रिलेशन आ गया, या इसी का आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो, IA2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू कितना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा आपके पास, 51 डिवाइड बाई कितना, 52। ये एक रिलेशन हम यहां से पा गए। तो मेरा एक काम यहां से क्लियर हुआ, एक रिलेशन तो एटलीस्ट मिला आपको, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आपका फ्लक्स, जो फ्लक्स से जो रिलेट करता है रिलेशन, वो दूसरा रिलेशन क्या है, चलिए बताइए दूसरा रिलेशन फटाफट बताइए, EA2 डिवाइड बाई EA1। करेक्ट हुई इतनी बार, इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, के फाइव टू डिवाइड बाई के फाइव वन इंटू कितना, ओमेगा आर टू डिवाइड बाई कितना, ओमेगा आर वन। वेल नोन रिलेशन, तो बताइए केस के कैंसिल आउट हो गया, तो क्या यहां से मिल जाएगा, फाइव टू डिवाइड बाई बोलिए बेटा फाइव वन इंटू ओमेगा आर टू की वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.2 ओमेगा आर वन डिवाइड बाई कितना, ओमेगा आर वन। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक रिलेशन ध्यान से जरा देखिए, इज इक्वल कितना आ जाएगा, 52 डिवाइड बाई 51 टाइम्स ऑफ कितना, 1.2 के इक्वल। करेक्ट हुई इतनी बार, ये आ गया इंड्यूस वोल्टेज का रिलेशन। अब इंड्यूस वोल्टेज का अगर ये रिलेशन आ गया, तो आप बताइए आईए की वैल्यू आपको क्या पता है, क्या शंट मोटर आपकी आर्मेचर करंट जो ड्रॉ कर रही शंट मोटर वो कितनी है, 40 एम्पीयर ड्रॉ कर रही फर्स्ट केस में। तो आप बेटा EA1 तो आप निकाल सकते हो कि EA1 की वैल्यू कितनी आएगी, परफेक्टली आप बता सकते हो कि EA1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो बिल्कुल आप जान सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात। अब बोलो, अब आप देखिए जरा, EA1 तो आपको पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा बोलिए, फर्स्ट केस में EA1 अगर लिखोगे तो EA1 इज इक्वल होगा VT, बोलते रहिए बेटा, माइनस मोटर है ना, माइनस IA1 टाइम्स ऑफ कितना RA, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस IA1 की वैल्यू कितनी 40 इंटू ये कितना आपका 1 है। तो आप बताइए 200 माइनस 40 अगर कर दोगे तो कितना बचेगा, 160 कितना वोल्ट। तो EA1 की वैल्यू तो 160 वोल्ट आ गई। अब रिलेशन आपके पास दो यहां दिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना जरा, ठीक है। एक रिलेशन IA2 का दिख रहा है इसके टर्म में, ठीक है। तो इस 51 बाई 52 का आप क्या मान लो, कुछ मान लो आप, ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इसको अगर मैं मान लेता हूं, मान लो कुछ क्वांटिटी मान लेता हूं, इसको मान लिया कि मेरे पास क्या है, एक्स क्वांटिटी। करेक्ट हुई इतनी बार। अगर ये एक्स है तो बोली ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, बोलिए जरा, इसको मैं मान लेता हूं 1 बाय कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों 1 बाय एक्स, क्योंकि 51 बाय 52 किसके इक्वल है, एक्स की इक्वल है। तो 52 बाय 51 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय एक्स की इक्वल। तो आप बताइए कितने इक्वेशन आपके पास है बेटा, ध्यान से देखना, सब कुछ खत्म, अब यही सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो मैं सब कुछ हटाने वाला हूं यहां, अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए जरा और मुझे आप बताइए अब कैसे कैलकुलेशन आप करोगे। तो एक रिलेशन मेरे पास कितना है, EA2 डिवाइड बाई कितना 160 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइम्स ऑफ कितना 1.2। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा रिलेशन मेरे पास है IA2 इज इक्वल टू 44 इंटू कितना एक्स, वेर एक्स इज इक्वल टू कितना 51 बाई 52। करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए इसमें अननोन कितने दिख रहे हैं आपके पास, इन दोनों इक्वेशन जरा ध्यान देखो, एक्स EA2 और क्या IA2, तीन अननोन है, दो इक्वेशन है, मतलब क्या एक इक्वेशन आपको और चाहिए होगी। तो फटाक देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे आप निकाल सकते हो, देखो बेटा कैसे आप निकालते हो इसको, देखिए जो ध्यान से। अगर मैं बात करूं EA2 की, तो सेकेंड केस हो चाहे फर्स्ट केस, EA2 तो वही रहेगा, कितना होगा VT माइनस IA2 टाइम्स ऑफ कितना बेटा RA डिवाइड बाई कितना 160 इज इक्वल टू बोलिए जरा कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई कितना एक्स। समझ में आई इतनी बात, इसको और फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो बेटा VT की वैल्यू कितनी है 240, बोलो 200 माइनस IA2 की वैल्यू तो आपके पास यहां दिया हुआ है, ये लिख दूं मैं, तो कितना हो जाएगा 44 टाइम्स ऑफ कितना x। करेक्ट हुई इतनी बात, डिवाइड इनटू RA की वैल्यू कितनी है 1 है, डिवाइड बाय बोलिए जरा कितना हो जाएगा 160
इज इक्वल टू कितना बोलो बेटा 1.2 इज इक्वल डिवाइड बाय कितना x की वैल्यू करेक्ट होगी इतनी बार। इसको अगर मैं सॉल्व करूं हटा रहा हूं ये सब, अब इसकी नीड नहीं हमको, हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बस कंप्लीट होने वाला था, आप देखिए जरा इसको और सॉल्व करो क्या मिलेगा बोलो बेटा 1.2 टाइम्स ऑफ 160 इज इक्वल टू ये इधर गया ये इधर गया कितना आएगा 200x माइनस कितना आ जाएगा बोलिए 44x का क्या स्क्वायर करेक्ट हुई इतनी बार। इसको और मैं लिख सकता हूं 44x स्क्वायर इसको इधर लेके आया इस तरफ इसको भी इधर लेके आया तो कितना मिलेगा माइनस 200 कितना x नेक्स्ट बोलिए जरा कितना हो जाएगा प्लस का कितना बोलो बेटा 160 टाइम्स ऑफ कितना 1.2 इज इक्वल कितना जीरो। आप बताइए जरा ध्यान से बताइए जरा, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप बेटा सॉल्व कर सकते हो बताइए, श्रीधराचार्य मेथड ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड का अगर आप बात करोगे तो आप इस इक्वेशन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैल्सी से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको कैल्सियम सॉल्व करना थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिलेगी, इस क्योंकि ऑनलाइन कैल्सियम ऐसा है नहीं। तो श्रीधराचार्य अगर मेथड बताएं तो आप बताइए क्या होता है बोलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बोलिए बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइड बाय कितना 2a, यही तो x की वैल्यू आएगी ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकालो तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी माइनस 200, तो माइनस माइनस कितना प्लस 200, दिस इज 200 प्लस माइनस नेक्स्ट बोलिए बी स्क्वायर 200 का क्या स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 44 इंटू सी की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है 160 इंटू 1. कितना 2 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू कितना 44। आप बेटा इसको जरा सॉल्व करिए और सबको बताइए x की दो वैल्यूज क्या क्या निकल के आएंगी, तो आपके पास निकल के आ जाएगा x की वैल्यू करेक्ट हुई इतनी बार, निकालिए सबको और मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने अगर बेटा कैलकुलेट किया होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की दो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी एक वैल्यू आपकी कम निकल के आएगी बताइए, जब 200 प्लस 78.79 करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.16, दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी x2 इज इक्वल टू 1.37। अब बात आती है कि आपको यह सेलेक्ट करना होगा इसमें कौन सी वैल्यू आपकी ट्रू होगी, ठीक है दोनों वैल्यू आपकी ट्रू नहीं है केवल एक ही वैल्यू आपकी ट्रू होगी। तो आप बताइए मेरे को, अगर मैं करंट की बात करूं सेकंड केस में, ठीक है करंट की बात करूं IA2 की अगर मैं बात करने वाला हूं, अगर मेरी IA2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप देखिए कितनी वैल्यू आएगी 44 टाइम्स ऑफ, अगर मैं X1 की वैल्यू रखता हूं कितनी हो जाएगी बताइए जरा 44 टाइम्स ऑफ 3.16 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 139, कितनी आ जाएगी बेटा 3.16 अगर आप पुट करते हो तो 139.04, और ये करंट जो आएगी ना ये आपकी जो रेटेड करंट केवल है कितनी है 40 एम्पीयर है, तो फुल लोड कंडीशन पे एट 50% ऑफ द फुल लोड द आर्मेचर करंट जो आपके पास है 40 एम्पीयर है, तो फुल लोड पे करंट की वैल्यू कितनी आपके पास दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितनी आपकी 80 एम्पीयर, 50% जब आपके पास लोड है तो आपके पास आर्मेचर करंट कितनी आपके पास 40 एम्पीयर है। तो आप बताइए मेरे को इसका मतलब जब आपके पास 100% अगर आपके पास लोडिंग होगी तो करंट की वैल्यू कितनी होगी वहां पे 80 एम्पीयर होगी, करेक्ट हुई इतनी बात। मतलब आपके पास दिस करंट इज वेरी लार्ज, इवन दो दिस करंट इज लार्जर देन योर फुल लोड करंट, ठीक है तो यू कैन नॉट सिलेक्ट दिस वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू आपकी सिलेक्ट नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब ये एक्स आप नहीं यूज कर सकते, तो ये रेशियो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा अगर आप करते हो 1.37 तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बोलिए बेटा कितनी आ जाएगी 44 टाइम्स ऑफ कितना 1.37, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60.28, तो कितनी वैल्यू आएगी 60.28, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये करंट की वैल्यू फुल लोड जो रेटेड करंट होगी 50% पे 40 एम्पीयर है, तो फुल लोड पे जो करंट होगी अप्रोक्सीमेटली 80 एम्पीयर के आसपास होगी, उससे वैल्यू क्या है कम है, तो इसका मतलब ये रेशियो आपका क्या है वैलिड रेशियो है। समझ में आ गई इतनी बार, तो मेरे पास क्या हो गया तो मैं फाइनली इसको रब कर रहा हूं तो इसका मतलब अब मेरे पास सब कुछ क्लियर हो गया कि 5.2 और 5.1 का रेशियो कितना आएगा, तो मेरे पास निकल के आ गया 5.2 5.1 का रेशियो जो आएगा 1. कितना बेटा 37 के इक्वल, और 1.37 के आसपास अगर है आप बेटा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैंने जिस वे में इसको सॉल्व किया आपको उसी वे में लेके चलना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप बताइए, तो बोलिए जरा, तो 5.2 डिवाइड बाई 5.1 का अगर मैं बात करूंगा तो 1/x की इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ बोलिए बेटा 1/ कितना 1.37, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
0.72 के आसपास आ जाएगी। क्लियर उतनी बात? तो 0.72 इसका रेशियो हो गया। बोलो परसेंटेज चेंज अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 52 माइनस 51 डिवाइड बाई कितना 51, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 डिवाइड बाई 51 माइनस कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, तो आप बताइए कितना हो जाएगा। 52 बाई 51 वैल्यू 0.72 माइनस कितना 1 अगर कर दोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 27% के आसपास आएगी माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स में क्या मिल रहा है आपका, डिक्रीमेंट मिलेगा। तो फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कितने परसेंट से आपका 27% से। क्लियर होगी इतनी बात? तो आपको समझना पड़ेगा फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बेस पे चीजों क्या करना आपको एनालाइज करना है। तो आप क्वेश्चंस को देख के, क्वेश्चन को जजमेंट करके, क्वेश्चन में जो चीज बोली जाए उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को हैंडल करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। चाहे फ्लक्स का चेंज आप कहो, चाहे आप क्या कहो बेटा फील्ड करंट का चेंज कहो, दोनों का मीनिंग क्या आपके पास यही है। तो इसका मतलब आपके पास आसपास जो आंसर आएगा 27 के आसपास आपका क्या कहलाएगा, आंसर आएगा माइनस, आपके पास आएगा -27% का आपका क्या मिलेगा, डिक्रीमेंट हो रहा है। This is not the increment. Decrement है तभी ये minus है। अगर ये आपका increment होता तो ये plus आता आपका। Correct होगी इतनी बात। 52 by 51 का ratio आपका आया था 0.72। पीछे एक correction है छोटा सा। This is 72। तो बेटा 52 divided by 51 minus 1 अगर करोगे 0.72 minus 1 divided by कितना? That is okay ना? Is equal to कितना? 28% negative का। क्लियर उतनी बात? तो आंसर क्या आएगा 28%। लास्ट मैंने क्या बोला था आपको 27%, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज योर 28% आपका आएगा। करेक्ट उतनी बात? तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे विद द न्यू क्वेश्चंस और देखेंगे कि उस पर और क्या चीजें हमको प्रोसीड करना। तब तक ले गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।